रतलाम जिले के आलोट तहसील के ग्राम शेरपुर खुर्द में मावे की बाटी की आड़ में देशी घी का कारोबार खूब फल फूल रहा था। रतलाम से आई खाद्य विभाग की सुरक्षा टीम ने छापामार कार्रवाई की, जहां डालडा के घी के डिब्बे के साथ कई केमिकल के पाउच भी निकले, जिन्हें मिलाकर देशी घी बनाया जा रहा था। यह कारोबार कई सालों से चल रहा है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत ही मानी जा सकती है कि अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। भाजपा के दबंग नेताओं की दबंगयाई के आगे कर्मचारी नतमस्तक थे, लेकिन जब टीम बाहर से आई तो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पिंडू जी, ऐसे लगातार मामले सामने आते हैं जब मिलावटखोर चंद लालच के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया, क्या है पूरा? जी मैं बताना चाहूंगा कि आलोट के नहज तहसील कार्यालय से 10 किलोमीटर दूर का मामला है। यहाँ सदियों से ऐसा मावे की बच्चे की आड़ में देसी घी बनाना, मावा बनाना, ये केमिकल की मिलावट के चलते होता रहा है और कई जिम्मेदार अधिकारी इस चीज से भलीभांति परिचित हैं, जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण से करना भी नहीं चाहते। अभी जो छापामार कार्रवाई हुई है, किसके यहाँ हुई है? ये एक बाबूलाल जी जैन है और एक राकेश जैन है, इनके यहाँ पर ये काम चल रहा था। तभी खाद्य विभाग की टीम एवं आलोक तहसीलदार द्वारा मौके पर पहुँच कर वहाँ पर सारे केमिकल्स, वहाँ पे जो मावा है उसके सैंपल लिए हैं और लगभग सुबह से ये कार्रवाई चल रही थी, 8 बजे से 3 बजे तक ये कार्रवाई चली है और इसको जांच के आदेश करके बचते नजर आ रहे हैं अधिकारी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि चंद लालच के लिए मुनाफाखोर किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। शेरपुर में मावा पकड़ा है, क्या है सर इसका पूरा मामला? जी, नकली प्रदेश में चल रहा है ये अभियान, जहाँ से अभियान जिसमें ये सूचनाएं मिल रही थी कि नकली मावा बन रहा है, नकली ही तैयार हो रहा है। जिले की खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दल आए, उन्होंने यहाँ सैंपल लेकर 2 जगह सैंपल लिए गए और 23-35 किलो यह मावा जब्त किया गया, मलाई भी जब्त की गई, तो ये सैंपल भेजेंगे, उसके बाद पता चलेगा वास्तविक स्थिति क्या है। सर कितना ही आरोपी पकड़ा है सर? नहीं, आरोपी तो अभी 2 बनाए हैं, 2 लोग ही हैं, एक सुनील है और एक उधर राकेश का। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी सर? अभी ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो प्रावधान होगा उसके तहत कार्रवाई होगी, अभी विशेष तो वही बता पाए। हमसे टीम आई है या शेरपुर गांव में अवैध मावा के बारे में, तो इस क्या है सर इसका पूरा मामला? इसमें हम आए थे रतलाम से दल के साथ में आए हुए और सैंपलिंग की कार्रवाई चल रही है और इसमें सैंपल भी लिए मावा और आप दल पदार्थ उसके थे तो सैंपल लिए और अवैध रूप से मतलब बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की भट्टी चल रही, उसको हमने सीज कर दिया धारा 31 के तहत। कितना माल पकड़ा है सर? माल तो मावा तो 35-30 किलो है, बाकी कुछ मलाई है उसको भी हम नष्ट करवा रहे हैं। आपके साथ कौन कौन और सर? मेरे साथ में एक मैं हूँ आर एस ओलेंसोर था, श्री अशोक कुमार शर्मा और श्रीमती ज्योति बघेल मैडम और श्रीमती प्रीति मंडोजा। आपका शुभ नाम सर? आर एस ओलेंकी। कितना मिली है? एक्चुअली अभी यहाँ पे सब हम लोगों की सर्चिंग चल रही है कि जहाँ पे भी नकली मावा या नकली दूध या नकली घी का निर्माण होते पाए गए वहाँ पे निरीक्षण और कार्रवाई कर रहे हैं। मैम, आपके साथ टीम में कितना सदस्य हैं? हमारे साथ टोटल टीम में हम लोग कुल 4 सदस्य हैं, 4 खाद्य सदस्य। इसी गांव में एक और जगह नकली मावा पकड़ा है, तो मैम उसके बारे में? वहाँ पे यशवंत कुमार शर्मा से खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई, नमूना कार्रवाई और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। तो जो मैम नकली मावा पकड़ा है इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? नकली मावा का जब्ती की जाएगी, उसका सैंपल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा और मानक पाए जाने पर उसके अनुसार आगे की नैलिन कार्रवाई की जाएगी। जी मैम, तो इसमें कितने आरोपी पकड़ा है? अभी यहाँ पे 2 जगह पे कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे जो कार्रवाई है ये पवन कोरवाल जी का, पृथ्वीराज कोरवाल जी का है, जो यहाँ पे ये कारखाना संचालित कर रहे हैं।